चलो प्राइवेट ही देने दूंगा। हाँ, तो टॉपिक चल रहा है पैरलेक्स मेथड। पैरलेक्स मेथड का मतलब होता है एक ऐसा इनडायरेक्ट मेथड जिसकी मदद से हम बहुत बहुत दूर की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, बहुत दूर की। लेकिन उससे पहले मैंने कल एक मोमेंटम दिया, वो ये तो मैं बता रहा था, कल मैंने मोमेंटम ये दिया था कि जब हम किसी पास की चीज को देखते हैं, पास की चीज को, बगल में कोई पेड़ है, खंबा है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो खंबा पीछे होता हुआ जाता दिखाई देगा, इधर जा रहा हूं तो इधर जाते हुए दिखाई देगा यदि कोई चीज पास में है। लेकिन यदि कोई चीज दूर 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 होती चली जाएगी तो उसका हमारे और उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो खत्म सा होता चला जाता है। फिर सपोज करो मैं यूं जा रहा हूं तो दूर एक पहाड़ है, वो काफी दूर तक ऐसा लगता है, बहुत दूर तक ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही चल रहा है। हमारी और उसकी लाइन ऑफ साइट बहुत मुश्किल से चेंज होती है। और फिर इसमें मैंने एक चीज और जोड़ी, यदि मैं मून की तरफ देख लूं, मून की तरफ देख लूं, तो जब मैं चलता हूं तो मून मेरे साथ ही खिसक जाता है, मेरे साथ ही चलता है, मैं चलता हूं तो चलता ही नहीं चलता। ठीक है, ये कल एक्सप्लेन हो चुका है, अब इसमें मूड नहीं मार रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। अब सपोज करो ये हम सब जानते हैं, ये अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, सुनना, ये अर्थ की ट्रजेक्टरी है, अर्थ की ऑर्बिट है, ये नहीं अर्थ, ये अर्थ है, ई ई फॉर अर्थ, ई ई फॉर अर्थ, ये यूं करके घूम रही है। यहां सबको पता है सन है, ये सन है, एस एस फॉर सन, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। अच्छा, इस गैलेक्सी में हम यदि इस गैलेक्सी के लिए, हमें अर्थ खूब बड़ी दिखती है, हमें सन खूब बड़ा महसूस होता है, लेकिन इस गैलेक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ भी नहीं है। आप देख सकते, जानते हो ना गैलेक्सी का कितना बड़ा साइज है, आज तक नासा को भी नहीं पता कि हमारी गैलेक्सी है कितनी बड़ी, उसका एंड कहां पर है। इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बोलते हैं हिंदी में गैलेक्सी, ठीक है, इस ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम का साइज एक बूंद की बराबर है। अच्छा, गूगल मैप होता है, गूगल मैप क्यों, जब आप सपोज करो सबसे सैटेलाइट व्यू देखते हो तो सारी चीजें छोटी 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 नजर आती हैं, आती है, लेकिन जब आप उसे जूम करते हो, जूम करते हो, जूम करते हो, तब जाके आपको अपना घर या गली मोहल्ला ये नजर आते हैं, तब जाके सड़कें नजर आती हैं, जब आप जूम 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 करते हो तो तब जाके आपको वो गली मोहल्ला नजर आता है। नहीं तो यदि सैटेलाइट व्यू देखते हैं तो चीजें छोटी छोटी नजर आती है। तो अब एक चीज सुनिएगा, ये एक ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें से एक छोटा सा फिगर मैंने बताया, उसे जूम करके पढ़ा रहा हूं, तो अर्थ ये रही, सन ये रहा, और सपोज करो ये कोई नियर बाई स्टार है, नियर बाई स्टार, इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, समझ गए, मुझे यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर करनी है। और आपको पता है यहां से कोई इंची टेप तो ले नहीं जाएंगे, कोई रॉकेट भी नहीं जा सकता, आज तक तो नहीं पहुंचा है, ठीक है, हाँ मून पर, मार्स पर, यहां तक तो पहुंचा सके। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ये फिगर आपको ये मानना पड़ेगा कि एक इतना सा छोटा फिगर है, ये बहुत छोटा फिगर है, ये इतना, मतलब ऐसे समझना, ये रही अर्थ, ये रही अर्थ, ठीक है। अच्छा, 6 महीने बाद अर्थ कहाँ होगी, मैं और अर्थ यहां पर है, 6 महीने बाद अर्थ यहां होगी ना, अर्थ आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, क्योंकि 1 साल में पूरा चक्कर लग जाता है, 1 साल में अर्थ लौट के वहीं आ जाती है, तो ये अर्थ आफ्टर 6 मंथ, ये आफ्टर 6 मंथ है, 6 मंथ। तो अब सुनना, आप पहले तो अपने आप को यह मानना कि यह फिगर मैंने बड़ा कर रखा है, मैं ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बताइए, जब अर्थ यहां पर है, फिर 6 महीने बाद अर्थ यहां पर है, तो इस स्टार की और ये अर्थ की लाइन ऑफ साइट ये होगी ना, अर्थ यहां पर थी तो अर्थ और स्टार की लाइन ऑफ साइट ये रही, अर्थ जब यहां पहुंच गई तो अर्थ और इस स्टार की लाइन ऑफ साइट ये पहुंच गए, ये यहां पहुंच जाएगी। बस आप ये समझना कि एक बहुत छोटा सा फिगर है ये, उसको सर ने जूम कर रखा है, ये इस ब्रह्मांड के इस गैलेक्सी में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, देखो यहां ये स्टार है, ये अर्थ की पोजीशन वन है और ये अर्थ की दूसरी पोजीशन है, उसको सर ने थोड़ा जूम जूम करके पढ़ा दिया है, ठीक। अब हम ये जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 1 AU होती है, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यदि आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है 1 AU का मतलब होता है
वन एयू का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। और ये वैल्यू लगभग अच्छा 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ये अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है 1.496। और ये एवरेज क्यों बोला है मैंने, एवरेज इसलिए बोला है बेटा एक्चुअली सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ना फिक्स नहीं है, जब अर्थ यहां होती है तो थोड़ी डिस्टेंस कुछ और होगी, अर्थ गर्मियों में थोड़ा सन के पास आ जाती है, एक्चुअली ये होता है सन ना एग्जैक्टली सेंटर पर नहीं है, थोड़ा यहां पर है, थोड़ा सन यहां पर है, तो अर्थ यहां पर है तो इस समय गर्मी पड़ रही होती है क्योंकि बहुत करीब आ चुकी है सन के, और फिर जैसे जैसे यहां पहुंच जाती है तो ये सर्दियों का सीजन होता है क्योंकि सन से थोड़ा दूर होगी तो उसकी हीट कम पहुंचेगी। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, एक वर्ड है वन एयू, इसको बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसमें उसका मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो वैल्यू इतनी है, यानी आपको ये लगभग एवरेज डिस्टेंस आपको पता है, ये एवरेज डिस्टेंस आपको पता है, आपको ये डिस्टेंस आर आपको पता करना है, आर एक्स जो भी नाम देना है, ये आपको पता करना है, मैंने इसका नाम लिख दिया आर और लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ये क्या चीज है, नियर बाई स्टार, पहले आपको समझ में आ गया ना नियर बाई स्टार, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इंची टेप लगेगा नहीं, क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कल वाली ट्रिक जो मैंने बताई थी कि यदि मैं बगल वाले खंबे को देखूंगा तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं दूर मून को देखूंगा तो मेरी लाइन ऑफ साइट काफी देर तक वही चलेगी। अब मैंने क्या किया, एक बहुत ही फार स्टार, एक और स्टार चुना है, देखो ये रहा, गैलेक्सी का कोई एंड तो है नहीं, एक स्टार लिया, ये वेरी फार स्टार है, वेरी फार स्टार, वेरी 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 और वेरी लगा दीजिए इसमें कहीं, मैंने अर्थ से इस वेरी फार स्टार की लाइन ऑफ साइट कनेक्ट करी। ये क्या है बेटा, ये जो लाइन अगली लाइन खींची है, ये है बेटा अर्थ से उस वेरी फार स्टार की लाइन ऑफ साइट, उसको यू देखा। अब मैं अर्थ पर हूं, सपोज करो ये है इस समय, आज का दिन है, आज के दिन मैंने क्या किया, एक एक बेटा सेकेंड मशीन होती है, सेकेंड मशीन होती है, वो क्या करती है, उसमें दो लाइनें होती हैं, ऐसे समझो, एक लाइन कहीं सेट कर दो और एक लाइन कहीं हो, तो वो एंगल मेजर कर लेती है बेटा। सेकेंड एक मशीन होती है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स होता है, लेंथ मेजर करता है, ठीक है, वजन मेजर करने की भी डिवाइसेस होती है, एक मशीन होती है सेकेंड, वो क्या करती है, उसमें दो लाइनें होती है, दोनों लाइन एक तरफ होती है, फिर एक लाइन को सेट कर लीजिए कहीं पे और दूसरी लाइन यू यू यू, जैसे सपोज करो ये दो पॉइंट है, एक ये रहा पॉइंट ए और एक ये रहा पॉइंट बी, और यहां मेरे पास वो मशीन है, इंजीनियर वगैरह रखते हैं जनरली, आप देखना जो सिविल इंजीनियर होते हैं ना, सड़क पर बैठ के करते रहते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, सेकेंड मशीन मेरे हाथ में, एक लाइन तो मैं ए पर सेट कर दूंगा, एक्चुअली दोनों लाइन ए पर सेट हो जाएंगी, अब एक लाइन खोलता चला जाऊंगा जिसमें से एक लाइन तो ए पर सेट होगी, दूसरी लाइन खोलते खोलते यहां तक ले आऊंगा, तो ये जो मशीन है ना वो ये एंगल बता देती है कि इन दोनों ने कितने एंगल मेजर किया, समझ में आ गया, यानी एक तरीके से एंगल मेजर करने, लेंथ मेजर करने की डिवाइस आपने सुनी है, वजन मेजर करने की डिवाइस सुनी है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, समझ गए। सेकंड मशीन का क्या काम होता है, इस एंगल को मेजर करना कि आपकी वो डिवाइस कितनी खुल गई है, बोलो ये समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम उस सेकेंड मशीन का एक लाइन तो यहां रखेंगे, उस सेकेंड मशीन की एक लाइन तो यहां से सेट कर देंगे और एक लाइन नियर बाई स्टार को टच कर देंगे, ये एंगल मेजर कर लेंगे, और सपोज करो इस एंगल का नाम है थीटा वन, इस एंगल का क्या नाम है, थीटा वन, मेजर कर लिया, यानी ये मेजर हो गया थीटा वन। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट के ध्यान रखना, आपका आप टास्क ना भूल जाओ, आपको ये निकालनी है अर्थ और नियर बाई स्टार के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आइडियाज लेना है, एस्टिमेशन लेना है, एस्टिमेशन, ठीक है, आर निकालना है, उसका नाम मैंने आर दे दिया है, ठीक है, इन पॉइंटों के नाम दे दूं मैं, ओ ए बी, इन पॉइंटों के नाम ओ ए बी दे दिया, दिस इज अर्थ, इस पॉइंट का नाम ए है, उस पॉइंट का नाम बी है। अब आपने पहले यहां पे पढ़े हो आज के दिन, एक सेकेंड मशीन का लाइन यहां लगाई, एक यहां लगाई, ये एंगल मेजर कर लिया, अब 6 महीने वेट करना पड़ेगा आपको, 6 महीने बाद अर्थ यहां आ जाएगी। अब सुनिए बेटा, समझने की जिम्मेदारी है, 6 महीने बाद क्या होगा, अर्थ यहां से यहां मूव कर गई, ये तो मैंने बड़े स्केल पे बना दिया, लेकिन आप सोचो अर्थ यहां से यहां आ गई होगी, इस ब्रह्मांड में अर्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब अर्थ का अस्तित्व ना के बराबर है, अर्थ यहां से यहां पहुंच गई 6 महीने बाद, इसी फिगर को जूम करके मैंने ये बना दिया, जूम तो कितना भी बड़ा कर दो, लेकिन अर्थ यहां से यहां पहुंच गई। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, फिर से उसी सेकेंड मशीन को उठाइए, अब पता है क्या होगा, इन 6 महीने में क्या हुआ होगा, जैसे सुनिए,
मेरे चलने पर मून मेरे साथ चला और खंबा पीछे रह गया, मेरे यूं चलने पर खंबा पीछे रह गया लेकिन मून तो मेरे साथ चला, ऐसी अर्थ के चलने पर, इसे खंबा मान लो, खंबा पीछे रह गया लेकिन जो फार स्टार है यही वाला फार स्टार वो यहां घुसेगा मेरे साथ। ये कौन है बेटा, ये क्या है, यही वाला स्टार। ये बात समझिए, जैसे मेरे लिए मून है, जैसे मेरे लिए मून है, मेरे चलने पर मून साथ चल रहा है, वैसे ही इसे मान लो ऋतुराज सर और इसे मान लो मून, इसे मान लो ऋतुराज सर, अर्थ को मान लीजिए ऋतुराज सर, और ये जो फार स्टार है, वेरी फार स्टार है, इसको इसका मून मान लीजिए। अब बताइए ऋतुराज सर यदि यहां से यहां जाएंगे, यानी वैसे तो अर्थ यहां से यहां गई है, तो बताइए ये जो मून है वो यहां से यहां खिसक जाएगा या नहीं खिसक जाएगा, बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं, यदि मैं यहां से यहां खिसकूंगा तो मून यहां से यहां खिसक जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो। मून के साथ ये होता है, जो वेरी फार डिस्टेंस मैं यूं चलता हूं तो वो यूं खिसक जाता है। तो होगा क्या, 6 महीने बाद जब अर्थ यहां से यहां आएगी, 6 महीने बाद जब अर्थ यहां से यहां खिसकेगी, तो ये खंबा तो पीछे रह जाएगा लेकिन वो मून आगे खिसक जाएगा। लेकिन पेपर में खंबा और मून नहीं लिखने, नियर बाय स्टार की पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन फार स्टार ये क्या है, यही फार स्टार है बेटा ये। अब अपनी सेकेंड मशीन खोल लीजिए, ये वाला एंगल मेजर कर लीजिए, ये वाला एंगल सपोज करो थीटा 2 आता है, समझ गए या नहीं समझ गए बोलो। यानी अपनी सेकेंड मशीन को इस लाइन ऑफ साइट और इस लाइन ऑफ साइट का एंगल मेजर कर लीजिए, पर खंबा में और मून में ज्यादा, हाँ इच्छा यही अप्रोच तो रखनी है, खंबा हमारे पास, सुनो बेटा एक बात सुनो, नहीं इच्छा यही एटीट्यूड रखना है आपको, आपको ये खंबे की तरह मानना है, ये बहुत दूर स्टार है और इस फिगर को छोटा सा फिगर मानना है। इस दुनिया में एक बार बताओ, एक बहुत दूर एक स्टार है, उसके सामने इस सिस्टम की औकात ना के बराबर हो सकती है नहीं। जैसे मैं 27वें 28वें मंजिल पर जाऊं, नीचे जाऊं तो मुझे लोग छोटे छोटे नजर आते हैं, हाथी भी चींटी नजर आता है, 28वीं मंजिल से नीचे देखूंगा तो हाथी भी चींटी नजर आता है। तो आप ये मान के चलिए एक बहुत दूर दुनिया में एक स्टार है जो इस सिस्टम को देख रहा है, उसके लिए ये चींटी है, हो सकता है नहीं हो सकता। आपको यही अप्रोच और यही एटीट्यूड रखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, इस आगे समझ में ना, हो सकता है ना, तो बस वही हो सकता है हमको पकड़ने। तो एक बहुत दूर स्टार है जिसके लिए ये सिस्टम एक चींटी के बराबर है, अर्थ का यहां से यहां 6 महीने घिसक जाना भी उसे लगता है अरे क्या हल्के सी तो खिसकी है, उसके लिए ऐसा लगेगा अर्थ कुछ खिसकी नहीं है, हमें लगता है कि अच्छा हम जब जूम फिगर में देखेंगे तो आपको लगेगा वो अर्थ कितना खिसक गई, लेकिन एक किसी के लिए तो ये मामूली भी नजर आ सकता है ना। चलिए आप सुनो, तो अब ये जो फार स्टार है वो तो अर्थ के साथ खिसका, लेकिन नियर बाय स्टार खंबे की तरह पीछे रह गया, नियर बाय स्टार की लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई, फार स्टार की लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं हुई। आप इस एंगल को मेजर कर लो, जो मेन टास्क है, बोलो बेटा सबको यहां तक समझ में आया या नहीं आया, सबको यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि आपको बस ये एंगल और ये एंगल मेजर करने हैं। एक जब भी मेजर करोगे, दूसरा एंगल 6 महीने बाद मेजर हो पाएगा, आफ्टर 6 मंथ 6 महीने बाद मेजरमेंट आ पाएगा। अब क्या करना है, हो गया बेटा ये काम, तो अब एक ये लाइन ऑफ साइट और ये लाइन ऑफ साइट तो एक ही बात है, यानी पैरेलल हुई है, लाइन चेंज नहीं हुई, तो एक पैरेलल लाइन इनसे खींच दीजिए, ठीक है, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई एक तरीके से, एक तरीके से। अरे रुको बेटा अंशिका आ रहा है, क्या मेजर, अच्छा अंशिका क्या चीज मेजर कैसे करेंगे, क्या चीज कैसे मेजर करेंगे, टाइप करो फिर ये भी, आपने लिखा हम कैसे मेजर करेंगे, आप किसकी बात कर रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आई। जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने बेटा सब लोग समझिए एक लाइन और खींची, एंगल के लिए मैंने बोला ना मशीन होती है, आप थोड़ा लेट आए थे क्या, सेकेंड मशीन होती है, उस मशीन का एक सिरा लाइन ऑफ साइट से मैच करा देंगे यूं करके, और एक यूं कर देंगे खोल देंगे, तो वो एंगल नहीं समझे, ये दो उंगली है, सेकेंड मशीन में दो तार होते हैं, दो पतले पतले तार होते हैं, एक तार को किसी जगह सेकेंड मशीन स्टेशनरी स्टडी कर देते हैं, एक तार को फिक्स कर देते हैं, दूसरा तार यूं करके उठाते रहते हैं, यूं देखते हैं यूं यार ये उससे मैच करा नहीं करा, मैच हाँ मिल गया ये उससे, फिर ये एंगल सेकेंड मशीन मेजर कर देती है। ये बात उस समय नहीं समझ में आ पाई थी, अभी बोलो समझ में आया कि ये एंगल, हाँ ये एंगल मेजर, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वगैरह के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर होता है, एंगल मेजर करने के लिए सेकेंड एक मशीन होती है, सिंपली।
अब बेटा मैंने क्या करना है आपको, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आप मानते हो, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट चेंज तो हुई नहीं है, बताना मून मेरे साथ चल रहा है, मून तो जो लाइन मेरे साथ चल रही है वो पैरेलल चल रही है कि नहीं, बताना मून एक मेरी आंखों से मून तक एक लाइन इमेजिन कर लो, मेरी आंखों से मून को कनेक्ट करने वाली एक लाइन इमेजिन कर लो, कर ली। अब बताना यदि मैं 20 कदम चला तो लाइन वहां पहुंच गई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं पैरेलल है, बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है ना, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। फिर एक लाइन इनके पैरेलल खींच दो, अब जब ये पैरेलल है तो सुनो ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा थीटा वन, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा थीटा टू, वही ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। यानी एक तरीके से आपको ये पूरा एंगल, जैसे सपोज करो ये 17 डिग्री है, ये 12 डिग्री है, 17 और 12, ठीक है, हाँ ऑल्टरनेट एंगल, ये 17 डिग्री है 12 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया बोलो, यदि ये 17 डिग्री और ये 12 डिग्री है तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल कितना हो गया, ये 17 और ये 12 है तो ये 29 हो गया, हो गया ना 29। अब सुनो देख 82 कहां से आ गया सुरेश तेरा, आई डोंट नो कि 82 कहां से टाइप कर रहा है, तेरे कीबोर्ड ने शायद भांग भी ली है, तेरे कीबोर्ड ने 17 बोला था मैंने, चलो कोई नहीं 17 हो सकता, चल मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मेरे बोलने में आपके सुनने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसने 70 सुना तो उस हिसाब से 82 बोल दिया, ठीक है चलो। अब सुनो, अब इस फिगर को इसकी औकात वापस याद दिला देते हैं, बेटा एक्चुअल में ये फिगर था तो छोटा सा ही ना, नन्ना मुन्ना सा, याद करो येरा पॉइंट ए, येरा ए, येरा पॉइंट बी, येरा पॉइंट बी, जब आप इतने बड़े स्केल को सोच रहे थे फिगर वास्तविकता में छोटा था, येरा पॉइंट ओ, येरा पॉइंट ओ, ये एंगल आपको मेजर हो गया, बेटा मैंने वापिस उसको इसकी औकात, आपको अपना दृष्टिकोण क्या रखना है कि आप एक ऐसे एलियन हो, आप एक ऐसे एलियन हो जो यहां पे हो, यहां पे हो और आपको सब कुछ दिख रहा है, अर्थ क्या कर रही है, आपको सब कुछ दिख रहा है, अर्थ क्या कर रही है, तो आपके लिए ये फिगर इतना बड़ा नहीं होगा, आपके लिए ये फिगर मामूली सा होगा। बोलो ये चीज यहां समझ में आ गई या नहीं आ गई, इस चीज का ये वर्जन समझ में आ गया कि सर ने इस फिगर को जूम कर रखा है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल आपको मेजर है, ये डिस्टेंस आपको मेजर है ही, बताना ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, बताइए ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कोई कितनी है, कोई बताएगा, ए बी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस ए बी, ये 2AU है, 2AU बिल्कुल ठीक, कितनी है 2AU, थीटा आपका मेजर हो ही गया, ये वाला टोटल थीटा, ये थीटा, एक मिनट इसको नाम मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है, दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू दिस, थीटा की वैल्यू कितनी है थीटा वन प्लस थीटा टू, और ए बी की वैल्यू कितनी है 2AU। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, एक एस्टिमेशन लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा, वो ये आपने पढ़ा है ना, सिंस थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ये है आर, ये वाली आर, ये देखो ये जो आर है ये ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस को आपने आर बोला है, तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस को आर बोल दिया। अब बताइए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ये तो थीटा है ही, ये रेडियस हो गई और इसको आर्क मान लीजिए, नहीं अब आपका दिल में पता है डाउट क्या आएगा, हम इसे आर्क क्यों मान ले, आर्क जैसा थोड़ी नहीं है ये, तो बेटा एक बात बताइए आपने एरर में कुछ चीजें सीखी, अच्छा 9.8 को आप 10 लिख लेते हो ना, 9.8 को 10 लिख सकते हो, 9.8 को 10 लिख लेते हो या नहीं लिख लेते हो, लिख लेते हो ना, यदि आप उसे लिख सकते हो तो आप इसे भी आर्क मान सकते हो, बताता हूं कैसे, सुनिए बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे ये सर्किल है, बताइए ये थीटा है ओ ए बी, थीटा की वैल्यू अपनी आंखों में देख लीजिए, बताइए ये क्या चीज है, ये है ए बी आर्क, ये ए बी आर्क है, और ये क्या चीज है, ये ए बी कॉर्ड है, मतलब इसमें आप क्लियर दिख रहा है कि ए बी आर्क अलग है और ए बी कॉर्ड अलग है, क्या इन दोनों की लेंथ बराबर है क्या, क्या ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड की लेंथ बराबर है क्या, बोलो 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 बोलो, नहीं सर, ए बी कॉर्ड ए बी आर्क तो ये रहा और ए बी कॉर्ड ये रहा, सर ये बराबर वैसे जबरदस्ती बराबर है, नहीं है बराबर, मैं आपके साथ हूं, ए बी आर की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन जब ये थीटा बहुत ही मां, ये जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल
यदि ये बहुत मामूली सा बने। नेक्स्ट फिगर इधर देखेंगे सब लोग। यदि मैं इस फिगर यानी इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं ना, सपोज करो ये बहुत छोटा फिगर बने, ये ना ओ बहुत छोटा फिगर बने। अब आप खुद फील कर जाओगे इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में अंतर क्या है। इस ट्राइंगल ये थीटा बड़ा है और ये थीटा बहुत ही छोटा सा है। तब आपको एक चीज नजर आएगी, बताओ ये री ए बी आर्क और ये री ए बी कॉर्ड। अब आपको ए बी आर्क क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा? आपकी जो ए बी आर्क है, ये जो ए बी आर्क है वो ए बी कॉर्ड के बराबर होती हुई दिख रही है नहीं दिख रही है बताइए। अब आपको जो ए बी आर्क है और वो ए बी कॉर्ड अब बराबर होती हुई दिख रही है नहीं दिख रही? केवल दो ही लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक इच्छा और एक शिवेश। बाकियों को क्या समझा नहीं पा रहा मैं? अंशिका का भी आया, समझिए ये बारीकियां समझनी पड़ेगी यदि इंजीनियर बनना है भविष्य का। ये चालाकियां, ये चंट बना समझना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए बेटा, यदि ये एंगल छोटा हो तब आप इस आर्क और इस कॉर्ड का रिलेशन, तब आप आर्क और कॉर्ड बराबर ले सकते हो। अब नहीं ले सकते, अब ले सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं सर्किल क्या होता है। सर्किल सुनिए, ये सर्किल है, आप बड़े हिस्से को देखोगे तो ये कॉर्ड नजर आती, वो आर्क नजर आती है। सर्किल क्या चीज है बताता हूं, बताना। यदि आप पूरा सर्किल देख रहे हो तो आपको एक कर्व लाइन समझ में आ रही होगी, लेकिन यदि मैं इसके छोटे 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 टुकड़े कर दूं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, बहुत छोटे छोटे, तो आप एक चीज नोटिस करिए। आपसे मैं कहूं अर्जुन बन जाइए, अर्जुन की आदत पता है, जब चिड़िया की आंख पर निशाना मारा था ना तो चिड़िया की आंख ही देखी थी उसने। अब मैंने इस सर्किल को ऐसे डॉट 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 मिटा दिया काफी। अब मैं आपसे कहूं सिर्फ अर्जुन बन जाओ और इस हिस्से को देखो, अर्जुन बन जाओ अपने इस हिस्से को देखो। एक तो आपने पूरा सर्किल देखा, अब मैं कह रहा हूं सिर्फ इस हिस्से को देखो, बताइए ये क्या नजर आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, इसे देखो ये क्या नजर आ रहा है? ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, ना कि कर्व। मानते हो इस बात को? यदि मैं आपसे कहूं सर्किल ओवरऑल देखोगे तो वो कर्व नजर आएगा, लेकिन यदि मैं सर्किल की छोटी सी लेंथ देखने को कहूं, मैं कहूं सर्किल की छोटी सी लेंथ को टारगेट करिए, अर्जुन बन जाइए और सिर्फ इतने हिस्से पर निशाना मारिए, तो बेटा ये क्या है पता है? ये एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है। और आज आपको एक राज खोलता हूं, हमने आज से पहले खूब टेंजेंट डाली होगी, डाली है नहीं डाली? टेंजेंट डाली है ना, टेंजेंट डाली है। आज आपको टेंजेंट का मतलब बताता हूं, टेंजेंट होती क्या है पता है? टेंजेंट क्या होती है? आपसे कहा इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, आपसे कहा इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो। सच्चाई है टेंजेंट का मतलब ये होता है कि एक सर्किल कई सारी छोटी 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 और छोटी छोटी लाइनों से बना होता है। सर्किल को यदि हम इस नजर से देखें, जो नजर मैंने आज आपको दी है उस नजर से देखें, तो सर्किल में बहुत छोटी 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 स्ट्रेट लाइन मौजूद होती है। उनमें से जब मैं किसी एक स्ट्रेट लाइन को जूम कर दूंगा, जैसे ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को आगे पीछे बढ़ा दूंगा, तो वो टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब होता है, फिर से सुनो, ये सर्किल है, इसके छोटे 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 हिस्से कर दिए मैंने, छोटे छोटे, जैसे ये हिस्सा, ये अब ये हिस्सा तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये मामूली सा हिस्सा स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा दाएं और बाएं बढ़ा दो तो ये टेंजेंट कहलाती है। तो पता है टेंजेंट क्या चीज है? टेंजेंट आपसे कहती है कि उस जगह जो स्ट्रेट लाइन है उसको बड़े रूप में देख लो। आया समझ में टेंजेंट का मतलब? टेंजेंट का मतलब समझ में आया कि उस जगह एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है, उस स्ट्रेट लाइन को एक बड़े रूप में देखिए, ये मतलब होता है टेंजेंट का। तो अब आप बताइए, अब आपका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं। जब ये थीटा बड़ा था तब ये ए बी आर्क और ए बी सॉरी हाँ ए बी आर्क और ए बी में कोई मैच नहीं था, ये अलग है, ये अलग है, ए बी कॉर्ड की लेंथ अलग है, ए बी आर्क की लेंथ अलग है। लेकिन यदि ये वाला थीटा ऐसा हो जाए, मात्र इतनी ही आर्क आपको देखने को मिले, सिर्फ इतनी ही आर्क, तो फिर आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए 9.8 से 10 में जो आपने 9.8 ग्रेविटी को आप जो 10 मानते हो ना, उसमें तब भी ज्यादा एरर है, लेकिन इस आर्क को अब ये कॉर्ड के बराबर मान सकते हो। बोलो अब पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा कि आर्क और कॉर्ड को कब बराबर ले सकते हैं? कब आर्क कब कॉर्ड के बराबर हो जाती है? कब हो जाती है? जब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या यूं कहिए ये वाला एंगल बहुत छोटा हो, या आप केवल उस सर्किल के एक छोटे से हिस्से को, यदि एक सर्किल के छोटे से हिस्से को ही आप टारगेट कर रहे हो,
यदि सर्किल के एक छोटे से हिस्से को टारगेट कर रहे हो तो वो आर्क और वो कॉर्ड बराबर ही होगी। हाँ, सेक्टर यदि स्मॉल हो तो। अब आप बताइए, यदि ये समझ में आ गया तो आप फील करिए, ये एक छोटा हमारे लिए, ये अर्थ बड़ी है हमारे लिए, स्टार बहुत छोटा है, लेकिन इस एलियन के लिए तो ये फिगर छोटा सा ही है ना, बहुत नन्ना मुन्ना सा ट्रायंगल है या नहीं। हाँ, जब एंगल बड़ा हो तो ये अजम्पशन नहीं लेते। अब आप बताइए, इस वाले ट्रायंगल को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, ये इस वाले ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल मैंने जूम कर रखा है ना, उसको उसकी औकात पे ले आया, ये जो जूम कर रखा है, चल चले जरा। तो अब आप बताइए, इस ट्रायंगल में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये थीटा। अब आप बताइए, इसे आप आर्क मान सकते हो या नहीं मान सकते, फील करो। यदि आपने ये फील कर लिया तो ये भी फील कर लोगे। आप ये मान सकते हो ना कि ये आर्क की तरह रोल प्ले कर सकती है, मान सकते हो ना कि ये आर्क है। आप इसे ये मान लीजिए कि ये ट्रायंगल भी मैंने बड़ा ही बना रखा है, इसमें इस पता है इससे ज्यादा छोटा ट्रायंगल बनाऊंगा, मैं इससे छोटा ट्रायंगल बनाऊंगा तो बोर्ड से कैमरे तक आपको नहीं समझा पाऊंगा। ट्रायंगल तो आपको इससे भी छोटा इमेजिन करना है, लेकिन इससे छोटा मैं बनाऊंगा तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये फॉर्मूला इसको डेडिकेट कर रहा हूं, कर दो। तो बताइए, इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है, या इसको इसमें लगा दीजिए, लगा तो मैं ये रहा हूं, ठीक है। तो ये होगा थीटा वन प्लस थीटा टू। आर्क की वैल्यू कितनी है, आर्क की वैल्यू कितनी है, आर्क यानी ये 2AU, आर की वैल्यू ए बी, बिल्कुल ठीक ए बी बोला आपने, ए बी यानी 2AU, और रेडियस की जगह रेडियस रख दीजिए। तो बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया, 2AU अपॉन थीटा वन प्लस थीटा टू। इस फॉर्मूले को यूज करके आप ये आर निकाल लोगे। अब ये आर इस फिगर में क्या चीज है, सोच के बताओ, ये आर क्या चीज है, ये आर आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, क्योंकि ये आपको पता है, ये आपने सेकेंड से कैलकुलेट कर लिया, ये आपको स्टैंडर्ड पता है, ये आपने सेकंड मशीन से कैलकुलेट कर लिया। बोलो, तो बताइए आर क्या चीज है, यही तो था, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड नियर बाय स्टार, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड नियर बाय स्टार। तो किसी नियर बाय स्टार को हम इस इनडायरेक्ट तरीके से कैलकुलेट करें, मेजर करें, इसमें कुछ मेजरमेंट है, कुछ कैलकुलेशन है, तो इसको पैरेलेक्स मेथड बोलते हैं। तो पैरेलेक्स मेथड इज अ मेथड and is an indirect method which is used to calculate nearby star। बोलो अब समझ में आया, इसमें थोड़ी assumptions लगी है, physics भी अच्छी खासी लगी है, लेकिन समझने के बाद फिर ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी heavy चीज नहीं थी। बोलो पल्ले पड़ गया है, नहीं जल्दी से बोलो। यही chapter का मेरी तरफ से last topic था, parallax method। parallax method किसी nearby star को किसी far star की मदद से measure कर लेना। तो ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं अब। हाँ बेटा, ऑडियो वीडियो ठीक है ना, होप सब सही आ रहा होगा। बताइए, इसको यूज कर रहा हूं, इसको सेकंड को डेल्टा आर डैश आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू, देख के बताइए आर डेल्टा आर वन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा आर वन की वैल्यू सवाल में कितनी है मुझे बताइए। जी हाँ, तीन, ये डेल्टा आर वन है, थ्री अपॉन आर वन यानी 100 प्लस, फिर डेल्टा आर टू यानी 4/200 है ना। तो बेटा ये 4/200 का मतलब 2/100 हुआ, एक तरीके से 5/100 हो गया ना ये। सुनिए सुनिए भाई, ये 3/100 है, वो 4/ यानी 2/100 है, तो जुड़ जाएगा ये 5/100 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/100। ओ सॉरी, स्क्वायर भी तो है, सॉरी सॉरी बेटा, इन पर स्क्वायर और है, सॉरी गलती मेरी थी, माई मिस्टेक। डेल्टा आर वन की वैल्यू ये है, लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर है, यहाँ इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब ये काम तो आप ही करना कैलकुलेटर। डेल्टा आर डैश
डेल्टा डैश इसको देखो 3/100 का स्क्वायर प्लस 4/200 का स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर था यहां वो वहां ले जाओ आर डैश का स्क्वायर, इससे डेल्टा आर डैश निकल जाएगा, वो आप निकाल लीजिएगा। ये समझ फिलहाल के लिए ये काम चलाइए, ये मत सोचिए कि ये फॉर्मूला कहां से टपका, बस इतना मुझे इतनी आज मुझे छूट दे दीजिए कुछ दिन के लिए कि ये फॉर्मूला टपका कहां से, आगे आने वाले दिनों में ये फॉर्मूला कहां से टपकते हैं ये भी मैं बता दूंगा। एक इजी ट्रिक आपके पास आ जाएगी, एक इजी ट्रिक आ जाएगी। बोलो बेटा दिया और इच्छा का ये सवाल था, रेस्पॉन्ड करो जितना मैंने समझाया है, आया एग्जाम में अभी यही आएगा ऐसी आ गया ना। ठीक थैंक यू बेटा, और बेटा कोई डाउट।